नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9, 10, 11, 12 अगस्त के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। छठवीं राशि लेते हैं, वर्गो यानी कन्या राशि। 9 अगस्त के दिन धन को लेकर के आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जब आप डिसीजन न ले पाए कि आपको एक्चुअली में करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आप सक्षम हैं तब तो दूसरों की हेल्प करिएगा, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो भावावेश में आकर किसी की मदद करने की कोशिश मत करिएगा, वो आपके फायदे में नहीं होगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा सा अपरिपक्व होंगे, इसलिए किसी भी गंभीर महत्वपूर्ण निर्णय को टाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो दूसरे व्यक्तियों की मदद करें, मोरल सपोर्ट से मदद करें। इस दिन आप अपने आप को जितना ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति दिखाने की कोशिश करेंगे आपका प्रभाव कम होगा, और जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही आपका प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए अपने आप को अहंकारवादी ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 अगस्त के दिन आप थोड़ा शांति का अनुभव करेंगे, सधे हुए व्यक्तित्व के मालिक रहेंगे, एक शांत मस्तिष्क आपका इस दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बड़े ही दूरगामी परिणाम दे सकते हैं, इसलिए जो निर्णय आप लेते हैं उन्हें पहले तो अपने पास रखें, दूसरों को ना बताएं, क्योंकि कई बार दूसरों को बताने से चीज़ें कम हो जाती हैं या खो जाती हैं, या उस पर हमारा उतना अटेंशन नहीं रह जाता जितना रहना चाहिए। इसलिए अपने अटेंशन को बरकरार रखने की कोशिश करें कि किसी व्यक्ति को इस दिन इन्फ्लुएंस ना करना पड़े। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई सलाह देता है तो उसमें मीन मेख ना निकालें, उसकी बात को शांति से सुन लें और फिर निर्णय करें कि आपको उसकी सलाह पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 11 अगस्त के दिन आपका व्यवहार थोड़ा सा रूखा हो सकता है। इस दिन आप अपेक्षाकृत एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो ज़्यादा मिलनसार नहीं है, एकाकी व्यक्ति है, अपने आप में रहता है, शांत रहता है, चुप रहता है। तो इस चुप रहने वाले व्यवहार को एंजॉय करने की कोशिश करें। जब आप चुप रहते हैं तो लोगों को ज़्यादा सुनते हैं, और जब आप लोगों को ज़्यादा सुनते हैं तो उनको ज़्यादा परख सकते हैं। तो इस वजह से लोगों को परखें, लेकिन उनको बताएं नहीं कि आप क्या परख रहे हैं। आपको जज करने को नहीं कहा जा रहा, सिर्फ परखने को कहा जा रहा है। इससे आपके अपने व्यक्तित्व का विकास होगा, अपने विकास पर ध्यान दें। अगर किसी मामले में कोई गंभीर निर्णय, कोई कठिन निर्णय आपने पेंडिंग छोड़ रखा था, तो उस निर्णय को लेने के लिए 11 तारीख बड़ा बढ़िया दिन है। किसी प्रकार का छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो 11 तारीख उसके लिए सूटेबल दिन है। अगर किसी को पनिश करना चाहते हैं तो 11 तारीख सूटेबल नहीं है। 12 अगस्त का दिन भी कामोबेश 11 की तरह रहेगा। आपका व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन इस दिन आपके व्यवहार में रूखापन नहीं रहेगा, मिलनसार व्यक्तित्व रहेगा। बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व आपका रहेगा 11 तारीख से, लेकिन इस विपरीत व्यक्तित्व के बावजूद आपको शांत बने रहना चाहिए, शांत चित्त से लोगों की बातें सुननी चाहिए। हालांकि इस दिन आपकी प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि होगी, समाज में स्वीकार्यता आपकी बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। इस दिन आप अपने निर्णय उसी कंडीशन में दूसरे लोगों के सामने बताएं जब आपसे इसके लिए विनय की जाए, अनुनय विनय की जाए, यानी प्रार्थना करी जाए। अगर परिवार के मामले में कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो 12 तारीख सबसे सूटेबल दिन है। अपने बारे में कोई डिसीजन, पर्सनल लेवल पर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बढ़िया है। अपने ऊपर किसी प्रकार की सख्ती करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 12 तारीख सबसे बढ़िया दिन है। हालांकि 12 तारीख को आप थोड़ा सा अंधविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी सतर्कता बरती तो अंधविश्वास आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ओवरऑल इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 9 और 11 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं हैं, 10 और 12 अच्छी हैं। वैवाहिक दृष्टि से चारों दिन अच्छे हैं। व्यापारिक दृष्टि से 9 तारीख और 11 तारीख बढ़िया नहीं हैं, 10 और 12 अच्छी हैं। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 9 से 12 अगस्त तक के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।